मित्रों स्वागत है सभी का हमारे चैनल गांव वाला फिटनेस में। तो दोस्तों सभी लोगों से हम माफी चाहते हैं क्योंकि दोस्तों हमारी वीडियो जो है बहुत दिन से अपलोड नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं अब जो हमारी वीडियोस आपके लिए आई हैं उसमें दोस्तों आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारी वीडियोस हैं वो हमारे 3 साल की जो भी ओवरऑल हमारी डाइट है उसके बारे में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैंने 3 साल में जो भी अनुभव किया है कि भाई बिगेनर्स को मॉर्निंग में कौन सी डाइट लेना चाहिए उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक हमारा रहेगा मॉर्निंग डाइट प्लान के बारे में। बहुत से लोगों को दोस्तों कंफ्यूजन रहती है कि भाई हमारी मॉर्निंग डाइट क्या है। सबसे पहली जीत हमारी सुबह की जीत होती है, तभी जाके हम पूरे दिन को संभाल पाते हैं। अगर दोस्तों आपने सुबह जीत ली तो आप दोस्तों ऐसा सोच सकते हैं कि आप अपने दिन का एक हिस्सा आप जीत सकते हैं, और दोस्तों आपका उससे एक कॉन्फिडेंस लेवल जो रहेगा वो हाई रहेगा, और दोस्तों आप पूरे दिन सकारात्मक रहेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आपका गोल है बॉडी बिल्डिंग, आपको फिट रहना है, अपने मसल्स को ग्रोथ करना है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा आपकी मॉर्निंग डाइट के बारे में। तो चलिए दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं मॉर्निंग डाइट के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों आपको चाय छोड़ना होगा। इतने अच्छे हेल्दी विटामिन को आप चाय डाल रहे हो, उसमें क्या होगा उसका, है ना, तो वो दिक्कत होगी इसमें। अगर आपको बेनिफिट लेना है अपनी बॉडी का तो आपको थोड़ा सा समझना होगा, चाय की जगह आपको दोस्तों एक फल खा लेना है, या दोस्तों आप चाय की जगह दूध ले सकते हैं, या दोस्तों अगर आप दूध भी नहीं पीते हैं तो दोस्तों सुबह उठते ही आपको एक काम करना है, एक गिलास पानी या ज्यादा ले सकते हैं, एक लोटा भी ले सकते हैं, उसमें दोस्तों एक नींबू डालना है और पी लेना है। फिर दोस्तों आपको फ्रेश हो जाना है, उसके बाद दोस्तों आपको अपनी जो रोटीन रहता है आपका ब्रश किया, फ्रेश होकर थोड़ी देर टहल लिया, उसके बाद दोस्तों आपको अच्छे से आराम से अपनी डाइट लेना है। तो दोस्तों मॉर्निंग डाइट में मैंने अनुभव किया है सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑफिस जाते हैं या कहीं वर्क पर जाते हैं तो दोस्तों आपको दोपहर में ही खाना मिलेगा, इसलिए दोस्तों अगर आप मॉर्निंग में डाइट में अगर आप प्रोटीन ले लें अच्छा खासा तो दोस्तों आपको जो आपका लंच टाइम है उस तक आपकी बॉडी को अच्छा प्रोटीन मिलता रहेगा। उसके लिए दोस्तों सबसे अच्छे सोर्स जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, जो हर कोई ले सकता है, बजट में भी कम है, मतलब इसका बजट बिल्कुल कम है, और दोस्तों कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसका बजट थोड़ा सा ज्यादा है, तो दोस्तों दोनों को अगर आप कंबाइन कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना बजट है तो आप दोस्तों उस चीज को और ज्यादा अपनी बॉडी पर देखेंगे कि ग्रोथ दे रही है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करने वाले हम दूध की। जी हाँ दोस्तों, आपको दूध पीना है एक कप, मतलब जो बड़ा वाला वो आता है ना वो वाला गिलास में, एक गिलास में जिसमें दोस्तों कम से कम 600-700 ग्राम बन जाता है दूध। अगर दोस्तों इतना आपसे पीते नहीं बनता है तो दोस्तों आप शुरुआत में एक गिलास से शुरुआत करें ना, धीरे से छोटा सा शुरुआत करें, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं। 1 लीटर तक अगर आप दूध पी लिए सुबह तो दोस्तों आपको अच्छा खासा दूध में प्रोटीन मिल जाएगा, फैट भी हेल्दी मिलेगा, और दोस्तों सबसे जरूरी चीज जो है वो है कैल्शियम, जो दोस्तों हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, फौलाद की तरह करता है, तो दोस्तों आप दूध जरूर पिए। उसके बाद दोस्तों हमारी आती है नाश्ते की प्लेट। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों को देखा है मैंने नाश्ते में कोई कुछ तला खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, मतलब फालतू की चीजें ही खाते रहते हैं, लेकिन दोस्तों उनको ये नहीं पता कि हमारी बॉडी के लिए क्या जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है प्रोटीन। तो दोस्तों प्रोटीन के लिए आपको रात में क्या करना है, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मूंग चना आपको भिगोना है। बहुत से लोग बोलते हैं 50-50 ग्राम मूंग चने का, मैं भाई बोल रहा हूँ आपको 20-20 ग्राम, क्योंकि दोस्तों शुरुआत में बहुत से लोग वो देख के डर जाते हैं, 50-50 ग्राम आप भिगोगे और वो फूल के सुबह आप देखोगे तो एक कटोरों भर के हो जाएंगे, तो उसमें आपको दिक्कत होगी। इसलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ 20-20 ग्राम करें और सुबह उठ के उनको अच्छे से
एक पानी में धो लें, उसमें दोस्तों आपको थोड़ी सी प्याज मिला लें, टमाटर मिला लें, धनिया डाल लें और दोस्तों मिक्स करके उसको थोड़ा सा नमक मसाला चटपटा थोड़ा सा आपके हिसाब से कर सकते हैं और दोस्तों आपको वो खा लेना है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, जो बुहारेदार हमारा सबसे अच्छी डाइट है, हेल्दी डाइट है, उसको दोस्तों आपको बनाना है। उसमें दोस्तों आपको एक टमाटर डालना है, एक आलू डालना है 50 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम, जैसे आपकी डाइट के हिसाब से, अपने हिसाब से 50 ग्राम 100 ग्राम आप पोहा बना लें। उसमें दोस्तों आपको कम से कम 50 ग्राम आपको बीजा डालना है। पोहे के साथ आप फली दाना अच्छे से खा सकते हो और दोस्तों वो हेल्दी भी रहते हैं, सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको पाया जाएगा उसमें। फिर दोस्तों उससे भी ज्यादा प्रोटीन की एक चीज है पोहे दोस्तों, हमारी सोयाबरी। जी हाँ दोस्तों, आपको 50 ग्राम नहीं तो आपको आपसे खिलाएंगी तो नहीं, बहुत से लोग उसे नहीं खिलाते हैं क्योंकि दोस्तों उसमें टेस्ट जो है ठीक नहीं रहता सोयाबरी का और थोड़ा सा अलग टाइप का लगता है। इसलिए दोस्तों आपको शुरुआत में 30 ग्राम डाल लेना, 40 न डालें, 50 न डालें, 30 डाल लें। धीरे धीरे आपकी अगर हैबिट बढ़ जाएगी तो आप थोड़ा सा उसको बढ़ा सकते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में आपको कभी भी नहीं लेना, 50 ग्राम से ज्यादा आप ना लें, ज्यादा से ज्यादा आप 2 बार में ले सकते हैं उसको, थोड़ा थोड़ा 50 50 ग्राम अगर आप बढ़ाना चाहें तो, लेकिन दोस्तों शुरुआत में नहीं बढ़ाना है। तो दोस्तों आपको 50 ग्राम सोया चंक का आपको उसमें डाल लेना है, 50 ग्राम हमारा फली दाना होगा, दोनों में दोस्तों आपको 25 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। दोस्तों आपको 50 ग्राम प्रोटीन हो गया। चलो छोड़ो, आपको 50 ग्राम नहीं हुआ अगर आपने कम मात्रा में लिया तो दोस्तों आपको 30 ग्राम 35 ग्राम 40 ग्राम के लगभग आपका प्रोटीन हो जाएगा इसमें, और दोस्तों 5 से 6 ग्राम आपका प्रोटीन हो जाएगा दूध से। तो दोस्तों आपका 40 ग्राम प्रोटीन तो कहीं नहीं गया। उसके बाद दोस्तों आपको अच्छे विटामिन्स मिल जाएंगे, है ना, तो आपको मिनरल्स भी मिल जाएंगे। इन सब चीजों से दोस्तों आपको जो सुबह की वो रहेगा वो, उससे दोस्तों आपको फुल ऑफ एनर्जी मिलेगी। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, ज्यादा वक्त अगर आप अपने बर्फ पर जा रहे हैं आपको 2 केले खाना है साथ में, और दोस्तों एक दो अगर आप एप्पल के पीस खा सकते हो, आधा एप्पल वो खा लेना है। दोस्तों आपकी मॉर्निंग डाइट इसके साथ हो चुकी है कंप्लीट। ये दोस्तों आपकी कम बजट की हेल्दी डाइट है, क्योंकि दोस्तों फली दाने भी आप लाके रख सकते हो, इतने ज्यादा महंगे नहीं आते हैं ना। उसके बाद दोस्तों आप सोया चंक भी इतनी ज्यादा महंगी नहीं आती, 100 100 रुपए किलो दोनों चीजें मिलती है, दोस्तों आप उन दोनों चीजों को ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों पोहा भी ज्यादा महंगा नहीं है, 100 रुपए जैसे 70 80 रुपए किलो होता है तो वो भी आप ले सकते हो, जिससे दोस्तों आपको बल्किंग के लिए मदद मिलेगी, ज्यादा कैलोरी मिलेगी पोहे में, आपको एनर्जी मिलेगी, तो दोस्तों आप वो ले सकते हो, हेल्थी भी रहता है। अब बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है मिर्च वगैरह जो है कम मात्रा में डालना है ना, आपको बिल्कुल हेल्थी खाना खाना है ना, जो तेल ताई होता है वो आपको कम रखना है बिल्कुल। और दोस्तों जितना ज्यादा वेजिटेबल्स आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो उतना ज्यादा वेजिटेबल इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये रही हमारी मॉर्निंग डाइटिंग। अगर दोस्तों मैंने जो बोला था कि आपको बजट है और जो भाई लोग हमारे प्रोटीन पर खर्च कर सकते हैं, उनके लिए दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक वेब प्रोटीन का स्कूप ले सकते हो सुबह दूध में मिला के, अगर आपके पास बजट है तो, और अगर नहीं है तो दोस्तों आप दिन में एक ही बार प्रोटीन ले सकते हो। एक बार तो दोस्तों आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि दोस्तों जब आप वर्कआउट करते हो उसके बाद आपको लेना जरूरी है। इसलिए दोस्तों जब भी आप वर्कआउट करो, इवनिंग में वर्कआउट, जैसे अगर आप इवनिंग में करते हो तो इवनिंग में दोस्तों आपको एक बार वे प्रोटीन वर्कआउट के बाद लेना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपकी बजट, मैंने जैसे बोला कि अगर आपकी बजट अलाउ करती है तो दोस्तों आप 2 बार ले सकते हो, मॉर्निंग में भी और दोस्तों इवनिंग में भी, या फिर दोस्तों आप दोपहर में चाहो तो दोपहर में ले सकते हो, आपकी जैसी वो कि भाई दोपहर में हमारा लंच में हम प्रोटीन नहीं ले पाते तो आप दोपहर में ले सकते हो। जैसे कि आपका सुबह हो चुका है प्रोटीन 40 50 ग्राम, तो दोस्तों आप दोपहर में आप वे प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हो। वे प्रोटीन दोस्तों बहुत अच्छा सोर्स है हमारे प्रोटीन के लिए और बहुत से लोगों के इसके लिए मिथ रहते हैं, वो दोस्तों हम अगली वीडियो में बात करेंगे, एक वीडियो आपके लिए प्रोटीन के बारे में भी बनाएंगे। लेकिन दोस्तों फिलहाल हमारी इस डाइट की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।